नमस्कार, पनावड़ा टीम में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं जगदीश सेन। चोटन सीएससी की एक्सरे मशीन तालों में कैद, मरीज बाजार में महंगी दरों पर एक्सरे करवाने को मजबूर। पेशे बाड़मेर के चोटन से विपिन भंसाली की रिपोर्ट। बाड़मेर जिले के चोटन कस्बे में स्थित राजकीय सीएचसी में उपलब्ध सरकारी सुविधाएं तालों में कैद होती जा रही है। विगत 2 वर्षों से यहाँ की एक्सरे मशीन की सुविधा पर ताला लगा है। वहीं राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई दूसरी एक्सरे मशीन भी तालों में कैद हो गई है। एक्सरे सुविधा नहीं मिलने के कारण संबंधित मरीज एवं उनके परिजन बाजार में महंगी दरों पर से एक्सरे करवाने को मजबूर हो रहे हैं। ऐसा ही नहीं, यहाँ लगी एक्सरे मशीन खराब हो, यह एक्सरे रूम पर महज इस वजह से ताला चढ़ा हुआ है क्योंकि यहाँ से नियुक्त एक्सरे ऑपरेटर की उपलब्धि नहीं है। यहाँ कार्यरत ऑपरेटर का 2 साल पहले बाड़मेर तबादला हो जाने से ये पद रिक्त हुआ था, जिस पर नियुक्ति के लिए न तो विभाग ने कार्रवाई की और न ही यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने सत्कर्ता दिखाई। ऑपरेटर का तबादला होने से बाद नए ऑपरेटर की नियुक्ति भी नहीं होने से आमजन की सुविधाओं पर ताले लग गए, जो 2 साल बाद भी नहीं खुल पा रहे हैं। सीएचसी प्रभारी के अनुसार एक्सरे मशीन लगी हुई है, लेकिन ऑपरेटर की नियुक्ति नहीं होने से ये सुविधा फिलहाल बंद है। एक्सरे ऑपरेटर नियुक्त होने पर इसे चालू कर पाएंगे। नियुक्ति नहीं होने से गरीब परिवारों के मरीज और उनके परिजनों को भारी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में स्थानीय कस्बेवासी एवं ग्रामीणों ने विभाग एवं जनप्रतिनिधियों को ऑपरेटर की नियुक्ति को लेकर कई बार अवगत करवाया, लेकिन उनकी मांग पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। उन्होंने एक बार फिर इस सुविधा को बहाल करवाने की मांग करते हुए अपनी मांग की है, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी है। पनावड़ा न्यूज़ नेटवर्क के लिए विपिन भंसाली की रिपोर्ट। चौटन सीएससी के अंदर एक्सरे मशीन और अन्य मेडिकल उपकरण है जो यहाँ के जिम्मेदारों की लापरवाही की वजह से पिछले 2 साल से बंद पड़े हैं और यहाँ पर कार्यरत पूर्व कार्मिकों के ट्रांसफर होने के कारण अन्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने से यहाँ के मरीजों को यहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। ये एक्सरे मशीन पिछले कितने टाइम से यहाँ बंद पड़ी है? करीब 2-2.5 साल। 2 साल पहले एक ऑपरेटर लगा हुआ था जिसका ट्रांसफर बाद में होने के कारण अभी ये मशीनें धूल फांक रही है। जो लाखों रुपए की मशीनें जो आम जनता के लिए सुविधा बननी चाहिए वो आज यूं के यूं अंदर पड़ी है। मैं यहाँ चौटन के जनप्रतिनिधि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों से निवेदन करता हूँ कि वो जल्द से जल्द एक ऑपरेटर लगा के इन मशीनों को शुरू कराए। यहाँ पर